लाल सागर में यमन के हूती विद्रोहियों का अमेरिका कोई समाधान नहीं निकाल पा रहा है। इसराइल हमास में जारी जंगी हालात के बीच यमन के हूती विद्रोहियों ने समंदर में जबरदस्त खौफ मचा कर रखा है। हूती विद्रोही काल बनकर अमेरिका और इसराइल के जहाजों पर हमलावर हैं। हूती लड़ाके जहाजों पर कभी ड्रोन से तो कभी लंबी दूरी की खतरनाक मिसाइलों से हमला कर बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं। हूतियों से निपटने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई देश साथ भी आए, बावजूद इसके हूती विद्रोही बेकाबू हैं। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने हूती के खिलाफ संयुक्त अभियान भी चलाए, मगर हूती पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। गाजा में जब से खूनी जंग चल रही है, तब से ही ईरान समर्थित यमन के लड़ाके मिसाइल और ड्रोन अटैक कर इसराइल पर दबाव बनाने में जुटे हैं। इस कड़ी में यमन के हूती ने 16 जून 2023 को भी लाल सागर और अरब सागर में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के जहाजों को निशाना बनाया है। दावा है कि हूतियों ने 3 सैन्य अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाया। हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याया सारी ने खुलासा किया कि यमन आर्म फोर्सेज ने लाल सागर में कई बैलिस्टिक मिसाइलों से एक अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को निशाना बनाया, जिससे उसे काफी नुकसान पहुंचा है। عمليتين عسكريتين مشتركتين ضد سفينتين تابعات لشركات انتهكت قرار حظر الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة وهما سفينة نور درني وقد أصيبت إصابة مباشرة بفضل الله ما أدى إلى نشوب الحريق فيها وسفينة إنسي تافيشي وذلك بالبحر العربي وقد أصيبت إصابة مباشرة وقد نفذت العمليتان بعدد من الصواريخ البحرية والبالستية والطائرات المسيرة. पहले ऑपरेशन में हूती लड़ाकों ने लाल सागर में अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को कई बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। दूसरे ऑपरेशन में कैप्टन पेरिस नामक जहाज पर नौसैनिक मिसाइलें और हैप्पी कॉन्डोर नामक जहाज पर ड्रोन दागे गए। वहीं तीसरे ऑपरेशन में यमन एयरफोर्स की ड्रोन यूनिट ने अरब सागर में जहाज हैप्पी कॉन्डोर पर कई घातक ड्रोन से हमला किया। तीनों ही ऑपरेशंस में हूती ने सटीक और असरदार हमले का दावा किया है, साथ ही अपने मकसद के पूरा होने की बात कही है। हूती लड़ाकों ने फिलिस्तीनियों का समर्थन करने और अमेरिकी हमलों का जवाब देने के लिए यमन आर्म फोर्सेज की मंशा को साफ कर दिया है। रविवार के हमले से पहले भी हूती की मिसाइल यूनिट की ओर से पहला ऑपरेशन अरब सागर में वबेरना मालवाहक जहाज के खिलाफ किया गया था। हूती का कहना है कि इससे जहाज जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। यूएस सेंट्रल कमांड ने बयान जारी कर कहा कि वबेरना पर 2 मिसाइलें गिरी, जिससे जहाज में आग लग गई। बताया गया कि दूसरे और तीसरे ऑपरेशन में सी गार्जियन और एथेना जहाज रेड सी में यमन की बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन के हमलों की चपेट में आ गया। बता दें कि यमन आर्म फोर्सेस का ये हमला समुद्री ड्रोन का इस्तेमाल कर एक जहाज पर अपने पहले सफल हमले की घोषणा के ठीक एक दिन बाद आया है। इसके अलावा यमन आर्म फोर्सेस ने कई खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों से रेड सी में ट्यूटर जहाज को निशाना बनाया। इससे जहाज को गंभीर नुकसान पहुंचा है, जिससे उसके डूबने का खतरा पैदा हो गया। मैरिटाइम सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुलासा किया कि एक ग्रीक मालवाहक जहाज यमन के होदेदा के लाल सागर बंदरगाह पर एक सी ड्रोन ने टक्कर मारी थी। आपको बता दें कि बीते साल नवंबर से लाल सागर में हूतियों ने इंटरनेशनल शिपिंग पर दर्जनों हमले किए हैं।